जी दोस्तों, रिसेंटली हुमायूं सईद के भाई सलमान सईद की शादी की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई है। सलमान सईद की शादी अलीना फातिमा के साथ हुई है। आप में से यकीनन बहुत से लोग ये जानना चाहते होंगे बॉक्स ऑफिस किंग हुमायूं सईद की भाभी कौन है और क्या इस लड़की का ताल्लुक शोबिज से है या नहीं। तो आज की वीडियो में कम्प्लीट मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। हुमायूं सईद के भाई जो सलमान सईद हैं, ये सबसे छोटे इनके भाई हैं और सलमान सईद ख़ुद भी एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। हाउएवर इन्होंने किसी ड्रामे में अब तक लीड रोल प्ले नहीं किया, लेकिन इन्होंने बहुत से ड्रामास में सपोर्टिंग रोल प्ले किया है जो इन्होंने बहुत फेमस ड्रामास बनाए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सलमान सईद ख़ुद भी एक बहुत अच्छे अदाकार हैं और आजकल काफ़ी अच्छे ड्रामास भी कर रहे हैं। ड्रामा सीरियल मेरा दिल मेरा दुश्मन में भी सलमान सईद ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अलीना फातिमा का ताल्लुक जो है शोबिज़ इंडस्ट्री से बिल्कुल नहीं है और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जस्ट जो है 500 फॉलोवर हैं और इनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट अकाउंट है जिसमें इन्होंने किसी भी सेलिब्रिटी को कुछ खास जो है वो फॉलो नहीं किया हुआ। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। कुछ दिन पहले सलमान सईद की शादी अलीना फातिमा से लाहौर में हुई थी और सलमान सईद जो है पाँच भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं। उनकी शादी में पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों ने शमूलियत की। जैसा कि आप जानते हैं कि हुमायूं सईद एक अच्छे एक्टर होने के साथ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के कामयाब प्रोड्यूसर भी हैं। सलमान सईद की शादी में अदनान सिद्दीकी, खलीलुर्रहमान कमर, अहमद अली भट्ट, नदीम बेग, क्रिकेटर अजहर अली और इमरान अशरफ भोला ने इन लोगों ने सही धूम धमाका किया और शमूलियत की। और सलमान और अरीज की जो जोड़ी है, इनके फैंस जो है बहुत ज़्यादा उसको पसंद कर रहे हैं। हुमायूं सईद का कहना था कि शादी की तकरीब बहुत सिंपल और छोटे स्केल पे की है और बहुत ही अजीज़ और बहुत ही क्लोज रिश्तेदारों को इनवाइट किया है। तो दोस्तों, आपको इनकी जोड़ी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।